खड़े हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अब अपने उड़न खटोला में सवार होकर आगामी कार्यक्रम खींचे निकल निकल आए हैं। ये पीछे के हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साथ में। कहे कि कल यह उड़न खटोला जो है नहीं पूरा रहा, देर हो गई रही, रात विश्राम करीन और सुबह नगर महामंत्री बीजेपी के हीरा लाल कोरी के पिता जिनकर सताई हो चुके रहे और उनकर बीमारी के बाद निधन हो चुका रहा, उनसे भेंट करे के बाद मुख्यमंत्री अब रवाना हो रहे हैं अपने उड़न खटोला से। हमारे पीछे यह तस्वीर अपना कहाँ दिखाई ला है, जहां मुख्यमंत्री अब सीधी से विदाई ले रहे हैं। वो सैकड़न के संख्या में ऐसा परिजनन से मिले हैं जे या पूरे घटना में हताहत भी रहे। नहर में बस डूबे से इंक्यावन लोगन के शव जो है बरामद कर लिए गए रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो हर परिजन से मिले, उनका ढाढ़स बधाइन और मुख्यमंत्री लगातार जो है परिजनन संपर्क में रहे। 7 लाख रुपया के राहत राशि दिन गए और अपना पंचायत का बता दी कि यह राहत राशि के बावजूद रात के देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में जौने माँ अपना पंचायत का बता दी कि MPRDC के GM AGM और DM का निलंबित किन गया है, सीधी के परिवहन अधिकारी का निलंबित किन गया है और CM 3 लोग अपना पंचायत का बता दी, शिवरानी लोनिया, लौकुश लोनिया और सत्येंद्र शर्मा का 3 जने का जे यह नहर में रेस्क्यू करे रहे हैं, बचाव करे रहे हैं, उनका जो है बचौबा भेरे हैं तो उनका 5-5 लाख रुपया के मुआवजों के ऐलान करे रहे हैं। हमारे पीछे यह देखे लागे कि मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर अब सीधी से उड़े का तैयार है और सीधी का कई एक सौगात मिलने वाली है। कहे कि यह घटनाक्रम जो उभा है यह सड़क हादसा रहा और सड़कन के बेहतरी खातिर मुख्यमंत्री सीधी का एक वादा दे के जाल लागे। हमारे पीछे बस अब मुख्यमंत्री कुछ देर में सीधी से रवाना हो रहे हैं, सीधी छोड़ ही रहे हैं और मुख्यमंत्री वो हर परिजन से मिले चाह रहे हैं, किंतु मुख्यमंत्री अपने प्रतिनिधि का छोड़ के जा रहे हैं। बाकी परिजन जैसे नहीं मिल पाया ही उनसे सबसे भेंट करी ही और उनका राहत राशि प्रदान करी। हमारे पीछे देखे ला है बस उड़न खटोला जमीन छोड़ दी सी, अब जो है यह उड़न खटोला यहाँ सीधी से आगामी कार्यक्रम की तरफ रवाना हो जाए। यह है कि यह पूरा जो है यह रहा मुख्यमंत्री CM के आज सुबह के दौरान। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।